ये फंगल सेल है, फंगल सेल के इनर साइड पे सेल मेम्ब्रेन है उसकी, ये सेल मेम्ब्रेन है, और उसके आउटर जो है ये सेल वॉल है, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन है उसका कंपोनेंट है स्टीरोल। जो हमारा सेल होता है उसमें हम कोलेस्ट्रोल होता है, हमारे सेल में क्या होता है कोलेस्ट्रोल, और जो फंगल सेल होता है उसमें उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रोल नहीं होता, उसमें इर्गोस्टीरोल होता है। ये जो उसने ब्लू डॉट बनाया हुआ है ये उसकी मेम्ब्रेन में इर्गोस्टीरोल है, यानी हमारा सेल होगा तो कोलेस्ट्रोल होगा, फंगल सेल है तो उसमें इर्गोस्टीरोल है। तो इर्गोस्टीरोल कंपोनेंट है उसकी सेल मेम्ब्रेन का। अब ये इर्गोस्टीरोल बनता किस तरह है, ये बनता है सिक्वालीन से। सिक्वालीन से एक एंजाइम है सिक्वालीन एप ऑक्सीडेज सिक्वालीन को कन्वर्ट करता है सिक्वालीन एप ऑक्साइड में, और सिक्वालीन एप ऑक्साइड आगे चेंज होता है लेनोस्टीरोल में। जो लेनोस्टीरोल है आगे एक और एंजाइम उस पर काम करता है जिसका नाम है 14-अल्फा-मिथाइलेज। 14-अल्फा-मिथाइलेज जो है वो फाइनल स्टेप है, उसके बाद इर्गोस्टीरोल बन जाता है, उसके बाद क्या बन जाता है इर्गोस्टीरोल, और वो कंपोनेंट है आपकी सेल मेम्ब्रेन का। तो सबसे पहले सिक्वालीन है, सिक्वालीन एप ऑक्सीडेज कौन सा एंजाइम काम करेगा, सिक्वालीन एप ऑक्सीडेज, और सिक्वालीन चेंज होगा सिक्वालीन एप ऑक्साइड में, और ये आगे लेनोस्टीरोल में, और लेनोस्टीरोल जो है वो आगे कन्वर्ट होगा इर्गोस्टीरोल में, इर्गोस्टीरोल, और ये इर्गोस्टीरोल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। लेकिन लेनोस्टीरोल से इर्गोस्टीरोल बनने के लिए एंजाइम क्या है, वो है 14-अल्फा-डीमिथाइलेज। आप अगर ये सिक्वालीन एपॉक्साइड, ये जो एपॉक्सीडेज एंजाइम है ये वाला और ये वाला, इसको इनहिबिट कर दे, ये जो सिक्वालीन एपॉक्सीडेज एंजाइम है जो सिक्वालीन को कन्वर्ट करता है सिक्वालीन एपॉक्साइड में, अगर ये इनहिबिट हो जाए तो फिर ये क्या नहीं बनेगा, फिर इर्गोस्टीरोल नहीं बनेगा, इर्गोस्टीरोल नहीं बनेगा तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो डेवलप नहीं होगी और सेल की डेथ हो जाएगी, यानी कि सेल उसकी वो उसकी ग्रो करना उसे मुश्किल हो जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आप क्या करते हैं, आप सिक्वालीन एप ऑक्साइडेज इनहिबिटर देते हैं और उसका नाम है टर्बिनाफिन। क्या नाम है, आप इसको इनहिबिट करते हैं टर्बिनाफिन के साथ, टर्बाइन नहीं लगवानी आपने, टर्बिनाफिन आपने वाटर की वो टर्बाइन लगाई होती है ना पानी के लिए, तो टर्बिनाफिन जी। उसके बाद दूसरा एंजाइम है 14-अल्फा, ये इससे बना था सिक्वालीन एप ऑक्साइड जो है ये कन्वर्ट होता है लेनोस्टीरोल में, और लेनोस्टीरोल से आगे के एंजाइम है 14-अल्फा-डीमिथाइलेज, ये लेनोस्टीरोल को कन्वर्ट करता है इर्गोस्टीरोल में, और ये इर्गोस्टीरोल सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। और आपने ये जो 14-अल्फा-डीमिथाइलेज है जिसने लेनोस्टीरोल को कन्वर्ट करना है इर्गोस्टीरोल में, इसको आप रोक दें, इसको रोकेगा कौन, इसको आपके इर्गोस्टीरोल रोकेंगे। ये क्या है, इर्गोस्टीरोल इनहिबिटर है, इर्गोस्टीरोल के इनहिबिटर क्या है 14-अल्फा-डीमिथाइलेज, कोल्ट्रिमाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, किटोकोनाजोल, मीकोनाजोल, वेरिकोनाजोल, जोल जोल जोल, ये सारे 14-डीमिथाइलेज इनहिबिटर हैं, जो कि लेनोस्टीरोल को कन्वर्ट नहीं होने देते इर्गोस्टीरोल में, और इर्गोस्टीरोल पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, तो सेल मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होगी। तो टर्बिनाफिन का मैकेनिज्म इतनी समझ आ गई, सिक्वालीन से कन्वर्ट होना था सिक्वालीन एपॉक्साइड में, एंजाइम का नाम क्या है सिक्वालीन एपॉक्साइडेज, इनहिबिट कौन करता है इस एंजाइम को टर्बिनाफिन। तो ये फिर एंड रिजल्ट क्या होगा, इर्गोस्टीरोल नहीं बनेगा, एंड रिजल्ट क्या बनेगा इर्गोस्टीरोल नहीं बनेगा। या फिर इर्गोस्टीरोल को किस तरह रोक सकते हैं, 14-अल्फा-डीमिथाइलेज इसको इनहिबिट कर दें, जोल 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 दे दें, ए जोल दे दें, कोल्ट्रिमाजोल दे दें, तो ये 14-अल्फा-डीमिथाइलेज इनहिबिट हो जाएगा।
ठीक है, और ये मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट से इतना नहीं होगी। एक मिनट, दो ड्रग्स हो गई, उसके बाद थर्ड ड्रग, मेम्ब्रेन बन चुकी है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं मेम्ब्रेन को, मैं तो इसमें पोर कर दूंगा, और जब पोर हो गए तो ये चीजें इसकी जो चीजें हैं बाहर से वाटर इन आएगा और इसके कॉन्टेंट बाहर चले जाएंगे, इसमें पोर कर देता हूं, पोर हो जाएंगे तो इसके कॉन्टेंट बाहर और बाहर से कॉन्टेंट अंदर, और सेल बस्ट कर जाएगा। आपने कहा अच्छा, आपने ये सोचा कहा इस, क्योंकि इसने सेल मेम्ब्रेन बना दी हुई थी, आपने कहा अच्छा बना ली हुई है तो आप मैं दूसरा काम करता हूं। तो आप एक ड्रग देते हैं एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी या निस्टेटिन, ये इर्गोस्टेरोल के साथ बाइंड करते हैं जो बनाया था अभी, ये इर्गोस्टेरोल आपने बनाया ना, इर्गोस्टेरोल ये मेम्ब्रेन का पार्ट है, ये इर्गोस्टेरोल के साथ बाइंड करती है ड्रग्स ये दोनों, ये इर्गोस्टेरोल के साथ बाइंड करती है और इसमें पोर बना देती है, एम्फोटेरिसिन बी और निस्टेटिन, निस्टेटिन ये जो इर्गोस्टेरोल बना इसके साथ जाकर बाइंड करती हैं और फिर मेम्ब्रेन में पोर बना देती हैं और फिर चीजें आउट इन आउट होती हैं। तो इस तरह सेल की वो उसकी सिंथेसिस, उसकी ग्रोथ को रोक देती हैं, ठीक है, और सेल बस्ट करता है। तो इसका एंजाइम, इसका याद हो गया, एम्फोटेरिसिन बी और निस्टेटिन दोनों का मैकेनिज्म क्या है, ये बाइंड करती है इर्गोस्टेरोल के साथ और उस उधर चैनल उधर पोर बना देती हैं। उसके बाद मेम्ब्रेन तो हो गई, आपने कहा, आपने कहा अच्छा इसकी सेल वॉल है, आपने कहा सेल वॉल पे तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो सेल वॉल को मैं रोकता हूं, सेल वॉल फॉर्मेशन रोकता हूं। तो आप सेल फॉर्मेशन रोकना शुरू हो गए, जब सेल फॉर्मेशन रोकना शुरू हुए तो आपने आपने सेल वॉल बनती है बीटा ग्लूकन से, किससे बनती है, बीटा ग्लूकन से, ये कार्बोहाइड्रेट है, इससे सेल वॉल बनी होती है। तो बीटा ग्लूकन सिंथेज एंजाइम होता है, बीटा ग्लूकन सिंथेज एंजाइम होता है, बीटा ग्लूकन सिंथेज, ये जो आपने दी उसको कैस्पोफंजिन, लफज इसमें इकाइनो, इसे इनका नाम है इकाइनो कैंडिन्स, इसमें कैस्पोफंजिन सबसे आम ड्रग है, वो बीटा ग्लूकन सिंथेज को रोकती है, इनहिबिट करती है। अब बीटा ग्लूकन बनेगा नहीं बनेगा, जब नहीं बनेगा तो ये सेल वाल बनेगी, सेल वाल किससे बनी हुई है, तो नहीं बनेगी तो ये सेल वाल नहीं होगी, तो ये सेल बर्स्ट कर जाएगा, यानी कि जब स्वेल करेगा तो इसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो सेल वाल इनहिबिटेड है। तो सेल वाल इनहिबिटर आपने ये ड्रग याद रखनी है, इकाइनोकैंडिन में कैस्पोफंजिन लफज याद अहम रखना है, कैस्पोफंजिन सबसे अहम है। ये भी हो गया, आपने उसकी सेल वाल को भी उड़ा दिया, आपने उसकी मेम्ब्रेन को भी उड़ा दिया, आपने कहा अच्छा नेक्स्ट अभी और सोचो, इसके हम घुस के मारेंगे और आप घुस गए उसके न्यूक्लियस में, ठीक है, और फिर आपने उसके डीएनए की संश्लेषण को रोकना है, और फिर और किस तरह, किस ड्रग से रोकना है, फ्लूसाइटोसिन से, फ्लूसाइटोसिन, इसका मैकेनिज्म क्या है ये मैं बताता हूं, लेकिन ये डीएनए को रोकती है आपकी फ्लूसाइटोसिन। तो जो ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं, पहली ड्रग आपने मेम्ब्रेन का जो पार्ट है इर्गोस्टेरोल उसकी फॉर्मेशन को रोकना है, उसकी फॉर्मेशन को रोकने के लिए उसकी फॉर्मेशन होती है किस तरह है, उसकी फॉर्मेशन होती है सिक्वालीन से, सिक्वालीन एप ऑक्साइड प्रोडक्ट है और एंजाइम चाहिए उसको सिक्वालीन एपॉक्सीडेज, उसको आपने रोक दिया टर्बिनाफिन से, एंड रिजल्ट क्या है, इर्गोस्टेरोल नहीं बनेगा, ठीक है। फिर ये सिक्वालीन एपॉक्साइड लैनोस्टेरोल बनता है, लैनोस्टेरोल से बनना होता है आपका इर्गोस्टेरोल, एंजाइम का नाम है बीच में 14 अल्फा डी मिथाइलेज, इसको हम P450 भी कहते हैं, ये एंजाइम जो है इसमें इसमें साइटोक्रोम P450 एंजाइम होता है कॉल्ड 14 अल्फा डीमिथाइलेज, ये साइटोक्रोम P450 इसमें जो है जो ये कन्वर्ट कर रहा है लैनोस्टेरोल को इर्गोस्टेरोल में, ये P450 साइटोक्रोम P450 एंजाइम है जिसका दूसरा नाम 14 अल्फा डीमिथाइलेज है। ये क्या करता है, ये आपको
ये इर्गोस्टिडोल फॉर्मेशन होती है इससे, लैनोस्टिडोल से। और एंजाइम क्या है, 14 अल्फा डीमिथाइलेज, इसको इनहिबिट करना है एजोल ने। फिर आपकी ड्रग्स आ जाती है एम्फोटेरोसिन बी और निस्टेटिन, एम्फोटेरोसिन बी और निस्टेटिन, ये इस इर्गोस्टिडोल जो आपने बनाया है इसके साथ जाके बाइंड करती है, और बाइंड करने के बाद सेल मेम्ब्रेन में पोर बना देती है, सेल मेम्ब्रेन में पोर बना देती है। तो और इस तरह सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करती है। और ये उसके बाद है एक सेल वॉल इनहिबिटर, सेल वॉल इनहिबिटर में आपने कैस्पोफेंजिन, जो कि ये एकाइनोकैंडिन्स ये ग्रुप नेम है। कैस्पोफेंजिन क्या करती है, बीटा, ये जो सेल वॉल का कंपोनेंट है बीटा ग्लूकन, बीटा ग्लूकन, तो बीटा ग्लूकन सिंथेज बनाता है बीटा ग्लूकन को, बीटा ग्लूकन सिंथेज। ये जो आपकी कैस्पोफेंजिन है ये इसको इनहिबिट कर देती है, और फिर आपकी सेल वॉल नहीं बन पाती, बीटा ग्लूकन नहीं बनता, तो आपकी सेल वॉल डिस्टर्ब्ड हो जाती है। हो गई याद, सिक्वालिन एपॉक्साइड ऑक्साइडेज, टर्बिनाफिन, 14 अल्फा डीमिथाइलेज, एजोल रोकते हैं किसको, इर्गोस्टिडोल की फॉर्मेशन। अगर इर्गोस्टिडोल बन गया तो एम्फोटेरिसिन बी और निस्टेटिन आएंगे, वो इस इर्गोस्टिडोल के साथ बाइंड करेंगे और मेम्ब्रेन में पोर बना देंगे और मेम्ब्रेन डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। और इसके बाद आपकी सेल वॉल है उसमें आपकी कैस्पोफंजिन है, कैस्पोफंजिन आती है, कैस्पोफंजिन उसके बीटा ग्लूकन सिंथेज को रोकती है, और बीटा ग्लूकन सिंथेज जब रुक जाएगा तो बीटा ग्लूकन नहीं बनेगा जो कि सेल वॉल का कंपोनेंट है, तो सेल वॉल डिस्टर्ब हो जाएगी। और जो फ्लूसाइटोसिन है ये कहती है मैं घुस के मारूंगी, और ये जाती है अंदर और डीएनए को, डीएनए फॉर्मेशन उसके उसको ब्लॉक कर देती है। अब ये जो ये देखें फ्लूसाइटोसिन, मैंने आपको नहीं बताया था, फ्लूसाइटोसिन देखें, फ्लूसाइटोसिन थी वो न्यूक्लियस के अंदर आएगी, फ्लूसाइटोसिन न्यूक्लियस के अंदर आई थी, अंदर चली गई थी, और अंदर जाके उसने क्या किया था, वो सेल के अंदर आती है और फ्लूसाइटोसिन कन्वर्ट होती है 5-फ्लूरोयूरासिल में। ये बहुत अहम, ये देखने बहुत अहम मैकेनिज्म है, बहुत आसान बताया हुआ है। फ्लूसाइटोसिन किसमें आ जाती है, सेल के अंदर, और न्यूक्लियस में आती है, और न्यूक्लियस से जो है ये न्यूक्लियस में आ जाती है, ये न्यूक्लियस में आ गई है, और उसमें एक एंजाइम होता है उसका नाम है साइटोसिन डी एमिनेज, साइटोसिन डी एमिनेज, साइटोसिन डी एमिनेज इसको कन्वर्ट करता है फ्लूसाइटोसिन को 5-फ्लूरोयूरासिल, 5-फ्लूरोयूरासिल में। 5-फ्लूरोयूरासिल जो है आपने एक वो पाइरिमिडीन सिंथेसिस में एक एंजाइम पढ़ा था, किसी को याद है इसका नाम, एक एंजाइम पढ़ा था जिसको रोकती थी 5-फ्लूरोयूरासिल, एफसीपीएस वाले उनको पता होगा, इसका नाम है डाइमिथाइलेट सिंथेज। इधर एक एंजाइम होता है ये 5-फ्लूरोयूरासिल उसको रोक देती है, किसको, डाइमिथाइलेट सिंथेज, इसको ये रोकती है, कौन, 5-फ्लूरोयूरासिल। और 5-फ्लूरोयूरासिल जब इसको रोकती है तो आपकी जो डीयूएमपी है, डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ये कन्वर्ट नहीं हो पाती थायमिडीन डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट में। बताता हूं ये क्या है, मुश्किल वर्ड आ गए हैं यार, ये होती है यूएमपी, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, इसमें यूरासिल होती है, तो डीएनए में आपको डीएनए में यूरासिल की जगह थायमिडीन होती है, तो आपने इसको कन्वर्ट करना होता है थायमिडीन में, थायमिडीन मोनोफॉस्फेट में। इसके लिए एक एंजाइम होता है उसका नाम है थायमिडाइलेट सिंथेज, थायमिडाइलेट सिंथेज। तो डीएनए आपने बनाना था, तो आपकी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट जो थी, जो आपका न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड था, उसमें यूरिडीन की जगह आपने टी लेके आना था, थायमिडीन लेके आनी थी,
तो ये जो बेस है इससे आगे डीएनए बनना था, इससे आगे क्या बनना था, डीएनए, इससे आगे बनना डीएनए, इससे यूज होना डीएनए फॉर्मेशन में। तो अब आपने रोक दिया किसको, आपने थाइमिडाइल सिंथेस को रोक दिया। अब डीयूएमपी जो है वो डीटीएमपी में कन्वर्ट हो सकती है, नहीं हो सकती। डीटीएमपी में कन्वर्ट नहीं होगी तो डीएनए, इसने डीएनए भी यूज होना होता है, डीएनए नहीं बनेगा। जब डीएनए नहीं बनेगा तो ये सेल वैसे ही इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो फिर क्या है, फ्लूसाइटोसीन जो है, फ्लूसाइटोसीन वो सेल के अंदर आती है और वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, 5-फ्लोरोयूरासिल में। किसमें कन्वर्ट होती है, 5-फ्लोरोयूरासिल में। कौन सा एंजाइम होता है, साइटोसिन डीएमिनेज, ये फंगल, फंगल का एंजाइम, फंगस एंजाइम देती है। और ये 5-फ्लोरोयूरासिल क्या करती है, एंजाइम होता है डाइमिथाइलेट सिंथेज, डाइमिथाइलेट सिंथेज। ये जो है ये एंजाइम कन्वर्ट करता है डीयूएमपी को थाइमिडीन, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट को थाइमिडीन, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में। ये थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट यूज होता है डीएनए फॉर्मेशन में। तो ये 5-फ्लोरोयूरासिल इस एंजाइम को रोक देती है, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, ये जो 5-फ्लोरोयूरासिल बनी है। समझ आया इसका, फिर देख लें, 5-फ्लोरोयूरासिल जो थी यहां डीयूएमपी डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट, उसने कन्वर्ट होना है डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में, उससे बनना है डीएनए। ये जो आपकी 5-फ्लोरोयूरासिल बन गई है, ये इधर एक एंजाइम होता है जिसने ये करना होता है, थाइमिडाइलेट सिंथेस। तो ये 5-फ्लोरोयूरासिल इस एंजाइम को रोक देती है जिससे डीयूएमपी इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाती और डीएनए फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको भूल जाना है। 5-फ्लोरोयूरासिल जो है इसके अलावा डीएनए को खुद भी ब्रेक कर देती है, डीएनए उसकी डीएनए आरएनए फॉर्मेशन को रोक देती है। तो ये 5-फ्लोरोयूरासिल का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है और ये बच्चों को नहीं आता, ये मुश्किल मैकेनिज्म है जरा, बाकी तो आसान आसान है। तो आपने याद करना है, जब जो फ्लोसाइटोसिन ने कहा था घुसके मारूंगी, फ्लोसाइटोसिन घुस गई न्यूक्लियस में और एक एंजाइम था वो फंगस का एंजाइम है साइटोसिन डीएमिनेज, उसने फ्लोसाइटोसिन को कन्वर्ट कर दिया 5-फ्लोरोयूरासिल में, 5-फ्लोरोयूरासिल ने डीएनए सिंथेसिस को रोक दिया। ये इसका मैकेनिज्म है शॉर्ट लफ्जों में। बाकी एक ड्रग रह गई है, वो ड्रग है जब 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 सेल डिवाइड हो रहा होता है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो सेल माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है, माइक्रो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, स्पिंडल फॉर्मेशन होती है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल उस पे आपके क्रोमोसोम मेटाफेज पे वाके अटैच होते हैं। तो अगर आप इन माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट कर दे तो स्पिंडल फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर कौन सी है, जिम फाइब्रोजिल ग्राइजियोफिल्मिन क्या है, ग्राइजियोफिल्मिन माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर है, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर ग्राइजियोफिल्मिन है, ग्राइजियोफिल्मिन माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर है, इसकी रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देगी, इसकी रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देगी। उसके बाद, और ये बहुत अहम ड्रग है, ग्राइजोफिलिन बहुत अहम ड्रग है, फ्लोसाइटोसिन बहुत अहम ड्रग है। अब आपने ये इसका स्पिंडल, ये न्यू स्पिंडल फॉर्मेशन हो वो भी रुक गई। अब जो आपकी ड्रग थी इकाइनोकैंडिन कैस्पोफंगिन, जो मैंने कहा था वो ग्लूकन सिंथेज एंजाइम होता है, ग्लूकन सिंथेज, उसने ग्लूकन बनानी होती है। ये सेल वाल है, ये ग्लूकन की बनी हुई है। आपने ग्लूकन को रोकना है तो कौन सी ड्रग देंगे, इकाइनोकैंडिन यानी कैस्पोफंगिन, वो ग्लूकन सिंथेज को रोक देगी और ये आपकी ग्लूकन नहीं बनेगी तो आपकी सेल वाल डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर
इर्गोस्टी रोल ये लगा हुआ है, ये इर्गोस्टी रोल लगा हुआ है। जो आपकी ड्रग्स हैं ये बनता किस तरह है, इर्गोस्टिरोल को बनाता कौन है? इर्गोस्टिरोल बनता है सिक्वालीन से, सिक्वालीन एपॉक्साइड एंजाइम होता है और उससे बनता है सिक्वालीन एपॉक्साइड, और ये लैनोस्टिरोल में कन्वर्ट हुआ था और लैनोस्टिरोल कन्वर्ट हुआ था इर्गोस्टिरोल में, और इसका एंजाइम है 14 अल्फा डीमिथाइलेज, 14 अल्फा डीमिथाइलेज, जिसमें जिसको हमने P450 भी कहा था, साइटोक्रोम P450 इसको इसका दूसरा नाम है। तो इससे बना था इर्गोस्टिरोल, ये इर्गोस्टिरोल जो था ये सेल मेम्ब्रेन में जाके उसका पार्ट है, उसका स्टिरोल है। तो अगर आप इनको रोक दें, टर्बिनाफिन दे दें, सिक्वालीन एपॉक्साइड रुक जाएगा, एजोल दे दें तो 14 अल्फा डीमिथाइलेज रुक जाएगा, तो इर्गोस्टिरोल नहीं बनेगा। इर्गोस्टिरोल नहीं बनेगा तो जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर इर्गोस्टिरोल बन गया है तो आपने फिर देनी है एम्फोटेरोसिन बी, तो एम्फोटेरोसिन बी जो है वो इर्गोस्टिरोल के साथ बाइंड करती है, या फिर आपने निस्टेटिन देनी है। ये दोनों ड्रग्स पोलीइन्स, इनको कहते हैं पोलीइन्स, ये जाके बाइंड करती है किसके साथ, इर्गोस्टिरोल के साथ, और पोर बना देती है और आपकी सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये डायग्राम जो सबसे जो अहम पार्ट है वो ये वाला है, ये वाला मैकेनिज्म जो है ना ये उसने बहुत जबरदस्त बनाया हुआ है कि जिम ग्लाइसोफुल्विन माइक्रोट्यूबुल इनहिबिटर है और जो आपकी फ्लूसाइटोसिन है वो न्यूक्लियस में आती है और कन्वर्ट होती है साइटोसिन डीएमिनेज में और वो 5-फ्लूरोयूरासिल में, 5-फ्लूरोयूरासिल आपके डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस को रोक देता है, ये इसका मैकेनिज्म है। और आगे किस तरह रोकता है वो मैंने आपको बता दिया वैसे ही। आपको सेल वाल, आपको मैकेनिज्म आना चाहिए कि ये सेल वाल इनहिबिटर है या ये मेम्ब्रेन इनहिबिटर है या जो भी इनहिबिटर है उसका मैकेनिज्म क्या है, किससे बाइंड करता है। तो आसान है, मैं रिपीट कर देता हूं एक दफा, ये जो सिक्वालीन ऑक्साइड है आपने इर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को रोकना है, इर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को रोकना है। तो इसकी सिंथेसिस किस तरह होती है, सिक्वालीन से बनता है सिक्वालीन एपॉक्साइड और उससे लैनोस्टिरोल बनता है, लैनोस्टिरोल से इर्गोस्टिरोल बनता है और इर्गोस्टिरोल पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का। तो अगर आप इन इन स्टेप्स को रोक दें, पहला स्टेप क्या है, आप इधर एंजाइम को रोक दें सिक्वालीन एपॉक्साइडेज को, टर्बिनाफिन को रोकती है, ठीक है। उसके बाद 14 अल्फा डीमिथाइलेज है जो लैनोस्टिरोल से बनाता है इर्गोस्टिरोल, उसको एजोल ड्रग रोकती है, उसको एजोल ड्रग उसको रोक देती है, इर्गोस्टिरोल नहीं बनता। इर्गोस्टिरोल बना हुआ है, इर्गोस्टिरोल के साथ बाइंड करती है एम्फोटेरोसिन बी और निस्टेटिन, एम्फोटेरोसिन बी और निस्टेटिन, वो इस इर्गोस्टिरोल के साथ बाइंड करती है और इधर पोर बना देती है। जो आपका कैस्पोफंजिन है और ये आपकी एम्फोटेरोसिन बी और निस्टेटिन का मैकेनिज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब कर देती है। तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है जिसमें इकाइनोकैंडिन्स हैं, इकाइनोकैंडिन एक एंजाइम होता है बीटा ग्लूकन सिंथेज, ये एंजाइम आता है बीटा ग्लूकन, बीटा ग्लूकन एक कार्बोहाइड्रेट है, ये बीटा ग्लूकन कंपोनेंट होता है उसकी सेल वॉल का। तो जब ये बीटा ग्लूकन नहीं बनेगा तो उसकी जो सेल वॉल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ये मैकेनिज्म है कैस्पोफंजिन का। कैस्पोफंजिन जो ग्राइजोफिल्मिन है, इधर नहीं लिखा हुआ, ग्राइजोफिल्मिन वो जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर है, ये स्पिंडल फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर देती है, माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर है और ग्राइजोफिल्मिन माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर है, तो उसकी जो रेप्लिकेशन है वो सही तरह नहीं हो पाती,
जो डिवीजन है, जो माइटोसिस वगैरह है, समझ आ गई? राइजोफ्लाविन माइक्रोटूब्यूल इनहिबिटर है, और जो आपका स्पिंडल फॉर्मेशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सबसे अहम ड्रग जो है वो एम्फोटेरिसिन बी और एजोल्स हैं, बल्कि सारे अहम है। जो एम्फोटेरिसिन बी है उसका मैकेनिज्म क्या है? बाइंड इर्गोस्टेट रोल फॉर्म मेम्ब्रेन पोर डेट अलो द लीकेज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यार इसमें मैंने डॉक्टर फुरकान आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करें नेट का, एम्फोटेरिसिन बी जो है ये क्या करती है, इन मैकेनिज्म बाइंड इर्गोस्टेट रोल फॉर्म मेम्ब्रेन पोर, जिससे इर्गोस्टेट रोल के साथ बाइंड करती थी और मेम्ब्रेन में पोर बनाती है, जिससे जो उसके इलेक्ट्रोलाइट है वो, ये मेम्ब्रेन है इसमें ये इर्गोस्टेट रोल है, ये जो एम्फोटेरिसिन बी है इसके साथ बाइंड करती है और मेम्ब्रेन में पोर बना देती है, जिससे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लीक हो जाते हैं, इधर से इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाते हैं। ये एम्फोटेरिसिन का मैकेनिज्म है। निस्टेटिन का मैकेनिज्म भी सेम ये वाला है, निस्टेटिन का मैकेनिज्म और एम्फोटेरिसिन का मैकेनिज्म इर्गोस्टेट रोल के साथ बाइंड करते हैं और फिर पोर बना देते हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर निकल जाता है। तो सेम मैकेनिज्म एम्फोटेरिसिन बी वाला, लेकिन जो एम्फोटेरिसिन बी है ये जो निस्टेटिन है उसको हम सिर्फ टॉपिकली यूज करते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक होती है सिस्टेमिक यूज के लिए, जबकि एम्फोटेरिसिन बी को हम सिस्टेमिक यूज कर सकते हैं सीरियस सिस्टेमिक माइकोसिस में, एम्फोटेरिसिन बी को सिस्टेमिकली यूज कर सकते हैं, जबकि निस्टेटिन को सिर्फ हम टॉपिकल यूज करते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। अब इसका जो हमेशा से आपको एग्जाम में इसका वो क्वेश्चन आता है इसके साइड, और कहां कहां यूज कर सकते हैं, क्रिप्टोकोकस मेनिनजाइटिस जो थी, क्रिप्टोकोकस मेनिनजाइटिस, ये क्लिनिकल यूजेस किस किस में यूज कर सकते हैं, क्रिप्टोकोकस मेनिनजाइटिस अभी हम पढ़ के आए हैं उसे, ये उसमें यूज करते हैं इसको, एम्फोटेरिसिन बी को फ्लूसाइटोसिन के साथ, एम्फोटेरिसिन बी और फ्लूसाइटोसिन अभी जो आप पढ़ के हैं, जो कहती जो सेल के अंदर चली जाती थी, ये दोनों को हम यूज करते हैं क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस के उसमें ट्रीटमेंट में। इसके अलावा ये यूज करते हैं ब्लास्ट, अब नाम तो आपको आते ही हैं, ब्लास्टोमाइसिस कोक्सिडियोइड हिस्टोप्लाज्मा कैंडिडा म्यूकोर, इंट्राथीकली यूज करते हैं मेनिनजाइटिस में, इसको आप लेते नहीं है, इंट्राथीकली आप यूज करते हैं मेनिनजाइटिस वाले केस में दोनों को, फ्लूसाइटोसिन को एम्फोटेरिसिन बी को। ये तो इसकी इंडिकेशन है, और इसकी इंडिकेशन इतनी अहम नहीं है जितनी इसकी साइड इफेक्ट अहम है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ये पोर्शन ज्यादा अहम है, जिसमें क्या होता है फीवर चिल्स होते हैं, जो पेशेंट ये लेता है, ये आईवी जब हम देते हैं ना, आईवी देते हैं तो ये उस पेशेंट को फीवर होता है, चिल सर्दी लगती है, शेक एंड बेक्स, हाइपोटेंशन होती है, बीपी कम हो जाता है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है, ये जो ड्रग है ये नेफ्रोटॉक्सिक होती है, ये जीएफआर को कम कर देती है, जो फिल्ट्रेशन होनी होती है उसको ये कम कर देती है, फिल्ट्रेशन कम होती है तो ये नेफ्रोटॉक्सिक है, ये अरिथमियाज भी काज करती है, आपके हार्ट रेट को एब्नॉर्मल कर देती है। एक मिनट, दो मिनट के लिए मैं दोबारा, दो मिनट, जो एम्फोटेरिसिन बी है वो जीएफआर कम करती है, जीएफआर कम करती है इसलिए ये नेफ्रोटॉक्सिक है, ये नेफ्रोटॉक्सिक होती है, अरिथमिया काज करती है, हार्ट रेट एब्नॉर्मल कर देती है, अनीमिया भी इसकी वजह से होता है, लेकिन जो इसका मेन इसका इलाज क्या है, क्योंकि इसमें ये चिल्स क्यों होते हैं, चिल्स होते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करवाती है, ये हम बातें हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करवाती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन चिल्स फीवर वगैरह काज करते हैं, तो इसलिए जब आपने इसको देना होता है तो आप साथ एस्पिरिन देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर देते हैं, ठीक है।
जब आप एस्पिरिन देते हैं तो फिर उसको चिल या एंटी हिस्टामिन देते हैं आप उसको, एंटी हिस्टामिन और ये आप इस तरह की एनसेड वगैरह देते हैं, तो फिर इससे उसको चिल वगैरह नहीं होंगे। उसके बाद आपने एनीमिया आए, जब आप इस ये यूज करते हैं आईवी, जब आईवी यूज करते हैं तो ये फिलिबाइटिस काज करती है। फिलिबाइटिस होता है कि यहां से आपने इसको आईवी यूज किया, ये इसका वो हैंड है, इसमें आपने इसको आईवी यूज किया, तो आईवी यूज करने से जो इसकी वेन है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वेन की क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन, उसे कहते हैं फिलिबाइटिस। यहां से आपने इंजेक्शन लगाया तो आईवी लाइन, तो यहां जो वेन होगी उनकी हो जाएगी इन्फ्लेमेशन। तो फिर आप क्या इलाज करते हैं? आप इसको देते हैं सेंट्रल वेन के थ्रू, बड़ी वेन के थ्रू देते हैं, ताकि छोटी वेन की, छोटी वेन में जाएगी तो उनकी वाल के साथ अटैच होगी और इन्फ्लेमेशन काज कर देगी। तो फिलिबाइटिस से बचने के लिए आप इसको सेंट्रल वेन में देते हैं, बड़ी वेन्स में। या फिर एक और ट्रीटमेंट भी है इसका, वो है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी आ चुकी है। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी है, ऐसी एम्फोटेरिसिन है जो कि फैट सॉल्युबल है, जो कि फैट सॉल्युबल है। ये फिलिबाइट, इसके ये साइन सिम्टम कम है, ये जो इसके साइड इफेक्ट है ना, ये कम आते हैं, फिलिबाइटिस वगैरह, चिल वगैरह। तो और ये इसकी टॉक्सिसिटी कम है, तो अब ये भी हम यूज कर सकते हैं, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। इसकी सबसे अहम बात, एक और बात ये है कि जब आपने इसको देना है, जब आप एम्फोटेरिसिन बी देते हैं, तो ये जो एब्जॉर्प्शन है पोटासियम की और मैग्नीशियम की, ये इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती और ये लॉस हो, ये नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन में क्या होना होता है, नेफ्रॉन में पोटासियम की और मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती और ये लॉस हो जाते हैं, तो फिर हाइपोकलीमिया होता है और हाइपोमैग्नीशियमिया होता है इसमें। तो आपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को भी सही करना होता है, उसको ये देना होता है उस पेशेंट को। जब आप ये देंगे तो उसको साथ ये इलेक्ट्रोलाइट भी उसके उसको मेंटेन करने हैं, सप्लीमेंट देने हैं। तो वो कहता है सप्लीमेंट ऑफ द पोटाशियम एंड मैग्नीशियम बिकॉज अल्टर रीनल ट्यूबलेट परमेबिलिटी, इनकी परमेबिलिटी सही तरह नहीं होती। फिर सुन लें जी, ये जो आपका ये जो आपकी नेफ्रॉन है, ये पहले ये नेफ्रोटॉक्सिक होती है, ठीक है, जीएल काम करती है, इसलिए इसमें क्रिएटिनिन रेज कर जाता है। जब भी जीएफआर कम होता है तो क्रिएटिनिन रेज करता है, ये आपको पता ही है, ये अब फिजियो में पढ़ा हुआ था आपने कि जो चीज जीएफआर को कम करती है वो क्रिएटिनिन रेज कर देती है, क्योंकि क्रिएटिनिन ने, जीएफआर क्या है, फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर क्या है, फिल्ट्रेशन रेट, फिल्टर होने का रेट। तो क्रिएटिनिन का जब फिल्टर होने का जो रेट था, जब जीएफआर कम हो गया तो क्रिएटिनिन ब्लड में रहेगी तो रेज कर जाएगी, तो एम्फोटेरिसिन बी में अगर देंगे तो क्रिएटिनिन भी रेज कर जाएगी, इसलिए इसको ये नेफ्रोटॉक्सिक है। तो आपने जो नेफ्रो वाला पेशेंट है, जो किडनी प्रॉब्लम वाला पेशेंट है, उसमें एम्फोटेरिसिन नहीं देनी। और आम तौर पे जो लोग, इसलिए जो किडनी वाला पेशेंट है उसमें अपने एम्फोटेरिसिन नहीं देते। फिर वो कहता है कि ये एक और प्रॉब्लम भी करती है कि ये मैग्नीशियम और पोटासियम ने एब्जॉर्ब होना होता है इधर असेंडिंग ग्रुप ऑफ एनले में, लेकिन ये परमेबिलिटी को डिस्टर्ब कर देती है, और ये पोटासियम बी यूरिन में जाता है, मैग्नीशियम बी यूरिन में जाता है, तो ये हाइपोकलीमिया हो जाता है, हाइपोमैग्नीशियमिया हो जाता है। इसलिए पेशेंट को आपने देना होता है पोटासियम भी और मैग्नीशियम भी। और पोटासियम अगर हाइपोकलीमिया होगा तो हाइपोकलीमिया अरिथमिया करवा देता है, हाइपोकलीमिया अरिथमिया करवा देता है। अरिथमिया का मतलब क्या है? हार्ट रेट ज्यादा या कम हो जाता है। फिर मैंने बताया
जब आप एम्फोटेरेसिन बी देते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन आपको फीवर, चिल्स ये काज करते हैं। तो आपने इससे बचने के लिए उसको पहले क्या देना है, आपने इससे बचने के लिए उसको देना है एस्पिरिन और एनसीड्स, और या हिस्टामिन भी दे सकते हैं आप। और ये भी हो गया फीवर, चिल्स, शेक एंड बेक, हाइपोटेंशन, वो हाइपोटेंशन भी हो गया क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन वैसोडायलेशन करवाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन वैसोडायलेशन करवाते हैं, तो वैसोडायलेशन हो गया तो बीपी कम होगा तो हाइपोटेंशन होगी। तो इसके ये कैसे सही होगा, आप एनसेड दे दें साथ। नेफ्रोटॉक्सिक है, एरिथमिया होते हैं क्योंकि हाइपोकलीमिया होता है, एनीमिया भी ये करवा देती है। आईवी ड्रग, आईवी देने से ये फिलिबाइटिस वेन की इंफ्लेमेशन काज करती है, इसलिए आपने इसको पेरिफेरल वेन में नहीं देना, पेरिफेरल वेन ये वाली, बल्कि सेंट्रल वेन में देना, ये वाली सेंट्रल वेन में। जब आपने इसको देना है तो हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ज्यादा करेंगे तो फिल्ट्रेशन जीएफआर इंक्रीज होगा, तो ये जीएफआर कम करवाती है, तो इसलिए आपने साथ हाइड्रेशन भी करनी है, यानी कि उसे ज्यादा पानी वाटर यूज करे वो। और नेफ्रोटॉक्सिक भी कम हो जाएगी, बिल्कुल सही है। लाइपोसोमल जो फार्म है वो लिपिड सॉल्युबल होती है, और लिपिड सॉल्युबल फार्म लेस नेफ्रोटॉक्सिक है, तो इसलिए अब हम उसको यूज करते हैं। जो निस्टेटिन है, बाकी इसका मैकेनिज्म आपको आता ही है पहले। और क्रिप्टोको, ये जो क्रिप्टोकोकमेनजाइटिस है, इसमें इसको इसके साथ फ्लूसाइटोसिन ऐड करते हैं। बाकी आपने सप्लीमेंटेशन करनी होती है पोटासियम की और मैग्नीशियम की इसके साथ। और ये बहुत आम ड्रग है जी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दूसरी ड्रग जो सेम मैकेनिज्म रखती है वो निस्टेटिन है, वो निस्टेटिन है, और ये ट्रॉपिकल यूज होती है, ये सिस्टेमिक यूज नहीं होती, ओनली ट्रॉपिकल यूज होती है। स्विश, स्वेलो, ओरल कैंडिडियासिस, जो ओरल थ्रश बनते हैं, आपके घर में कभी बच्चों को ओरल थ्रश हो जाए ना तो उसको निस्टेटिन देते हैं। टॉपिकल डायपर रैश में यूज करते हैं, वेजाइनल कैंडिडियासिस में यूज करते हैं। घुमाओ और पीजो, ठीक है, डायपर डैश, वेजाइनल कैंडिडियासिस और ओरल थ्रश में निस्टेटिन यूज करते हैं। तो उसके बाद ये मैकेनिज्म फ्लूसाइटोसिन का है, तो इनहिबिट डीएनए आरएनए बायोसिंथेसिस बाय द कन्वर्जन 5-फ्लोरोयूरासिल। एंजाइम का नाम क्या है, साइटोसिन डीएमिनेज, इस ड्रग को कन्वर्ट कर देता है फ्लूसाइटोसिन को 5-फ्लोरोयूरासिल में, और 5-फ्लोरोयूरासिल जो है ये डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस को रोक देती है। मैकेनिज्म मैं डिटेल में बता चुका हूं, याद है ना, याद है इसका मैकेनिज्म, फ्लूसाइटोसिन का मैकेनिज्म याद है। जबरदस्त, अगर किसी को समझ नहीं है तो फिर अभी भी पूछ सकता है, लास्ट चांस। ये साइटोसिन डीएमिनेज जो है ये फ्लूसाइटोसिन को कन्वर्ट कर देता है 5-फ्लोरोयूरासिल में, और 5-फ्लोरोयूरासिल जो है वो डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस को रोक देती है। ये हम क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस में यूज करते हैं, क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस में। आपको पता था क्रिप्टोकोकस जो है न्यू फार्मेन जो थी वो मेनिनजाइटिस काज करती थी, तो उसका इलाज क्या है, उस एम्फोटेरेसिन ये दें, इस ड्रग को इसके साथ दें, ये दोनों देते हैं क्रिप्टोकोकल क्रिप्टोकोकस मेनिनजाइटिस में, क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस में। और इसका साइड इफेक्ट बहुत आम है क्योंकि ये डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन रोकती है, तो इसका साइड इफेक्ट है बोन मैरो सप्रेशन, ये जो बोन मैरो है उसको सप्रेस करती है, उससे डी उससे जो आरबीसी बन रहे होते हैं उसको रोक देती है, क्योंकि डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन रोकती है तो बोन मैरो को सप्रेस कर देती है, पैनसाइटोपेनिया करवा देती है। पैनसाइटोपेनिया का मतलब यह है कि आरबीसी भी कम हो जाते हैं, डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाते हैं, प्लेटलेट भी कम हो जाते हैं, तो बोन मैरो सप्रेशन करवाती है। ओके, बोन मैरो सप्रेशन समझ आ गई। ये डीएनए डीएनए और आरएनए की
को ब्लॉक करती है ना, तो जो जो सबसे ज्यादा डीएनए जो नए सेल बन रहे होते हैं कहाँ बनते हैं, आपके बोन मैरो में नए सेल बनते हैं, WBC बनते हैं, RBC बनते हैं, तो ये वो वाली जगह सप्रेस हो जाएगी, बोन मैरो सप्रेस हो जाएगी, फ्लूसाइटोसिन का साइड इफेक्ट है। जिनाबे वाला एजोल को हम कम कल करेंगे, मगर एकाइनो कैंडिन अभी कर लेते हैं और ग्राजोफुल्विन। एंटी फंगल कैस्पोफंजिन, इस ये ड्रग का नाम है, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकन। मैंने कहा था ये बीटा ग्लूकन सिंथेस को इनहिबिट करती है। क्या कल करना है, काफी आज?